करें स्टार्ट या आना है अभी किसी ने? लाइट ऑफ कर दो। अच्छा आज हमारा ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा आज हमारा टॉपिक है शोल्डर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक इन सेंस जो बड़े रीजन हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट रीजन का लास्ट टॉपिक। ठीक है। अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो कि मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था उसके अंदर भी, अब आपने ये वाला आज का जो लेक्चर है इसको टेबल इसका रह गया था सिर्फ इसका टेबल बना के, तो आपने असाइनमेंट जो है ना अब ऐसा ऐसा जो है ना मुझे सबमिट करवाना शुरू कर दो, ताकि मैं कोई डेट भी आपको बता देती हूँ उससे पहले पहले, ताकि मिट्स भी स्टार्ट हो जाने तो असाइनमेंट से फारिग हो जाओ। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने उसी तरह टेबल बनाना है जिस तरह आपने रिस्ट और नी के अंदर बनाना था, कि आपने पेशेंट पोजिशनिंग, प्रोब प्लेसमेंट, और उसके बाद आपको कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। वो सारी आज भी उसी तरह ही है सारा, कि हमने प्रोब प्लेसमेंट और उसके बाद हमें उस जगह पे स्ट्रक्चर्स कौन से नजर आ रहे हैं। शोल्डर पैथोलॉजी, शोल्डर एनाटमी में हमने इंपॉर्टेंट रोटेटर कफ पढ़ा था। ठीक है। रोटेटर कफ में और उसी की पैथोलॉजीज ज्यादा थी हमारे पास, कि हमने पैथोलॉजीज भी पढ़नी है तो शोल्डर की, और उसके अंदर हमारे पास रोटेटर कफ की ही ज्यादा पैथोलॉजीज थी, और चार हमने मेजर वो पढ़ी थी जिसके अंदर टीयर्स थे, कम्प्लीट या इनकम्प्लीट टीयर थे, डिसलोकेशन थी, और उसके अलावा एकोजेनिसिटी जो थी वो डिफरेंट हमें नजर आ रही थी इन केस ऑफ टेंडनाइटिस, या फिर हम लोगों को साइनोवाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होगी वहां पे एक तो एकोजेनिसिटी डिफरेंट हो जाएगी, और दूसरा हमें फ्लूइड मिलेगा उसके अंदर, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। ठीक है। वो जो हमने उसमें नी में भी पढ़ी थी ना, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी या इफ्यूजन जो है वो हमारे हर जॉइंट के अंदर जो है वो हमें उस तरह के इन्फ्लेमेशन मिल सकती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आज फिट करेंगे, तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, ये लास्ट लेक्चर है जो हमारा सबसे लंबा है, फिर इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से दो तीन मैंने आपको कुछ बताया था जो मैंने अलग से, एक तो पढ़ भी लिया हम लोगों ने लेकिन फिर भी एक अलग से मैंने उसको बना दिया था लेक्चर, कार्पल टनल सिंड्रोम का, जिसके अंदर मीडियन नर्व कंप्रेशन वाला था। सिर्फ हमने उसमें साइन सिम्टम्स देखने, पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आपके पास आएगा और वो किसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आती है कार्पल टनल की। ठीक है। वो कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो ये रैपिड यूज करते हैं, कौन से, पहले तो हमने एथलीट्स वगैरह यूज देखे थे ना कि उनमें ये रेपिटेशन होती है, ये रेपिटेटिव मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं, दो तीन और, एक एंकल है, छोटे छोटे से हमारे पास टॉपिक है वो, और वो एंकल हो गया, एंकल में भी आपको दो तीन चीजें बस देखनी है, और जो मेजर थे हमारे पास जो के मस्कुलोस्केलेटल में आते हैं वो शोल्डर हमारे पास ज्यादा आता है पेन के लिए, या अल्ट्रासाउंड करवाने, या नी आता है या रिस्ट आता है। ठीक है। रिस्ट में भी कार्पल टनल ही मेजर आता है, अदरवाइज जो है वो गैंग्लियन वगैरह अगर सॉफ्ट टिश्यूज हमें नजर आते हैं देन हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। अच्छा, वी ऑल नो के शोल्डर के अंदर हम लोगों ने जो रोटेटर कफ मसल्स पढ़े थे, बार बार उसी के नाम आपने याद करने हैं, लॉन्ग एड ऑफ बाइसेप, जिसकी कहाँ पे इंसर्शन थी, ग्रूव के अंदर। ठीक है। जो लेसर और ग्रेटर टिब्रोसिटी के दरमियान आपके ग्रूव बनता है ना, ग्रूव के अंदर लॉन्ग एड ऑफ बाइसेप टेंडन की वहां पे वो हमें वहां पे मिलता है, और ज्यादातर हम लोगों ने इसकी पैथोलॉजीज में अगर देखा था, आज हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ना है ना कि रोटेटर कफ और उसके मसल्स वो किस जगह पे है, वो किन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहा है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे वो मसल या टेंडन है, तो हम वहां पे प्रोब रखेंगे तो एग्जैक्टली हम उसी को लोकेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये पांच जो हमारे पास रोटेटर कफ के मसल्स हैं इन्हीं को हमने देखना है, हमें पता है किस किस जगह पे थे, और प्रोब भी हम वहीं वहीं प्लेस करेंगे, पेशेंट पोजिशनिंग बनाएंगे और इनको देखेंगे, हमने पैथोलॉजीज पढ़ ली हुई है। ठीक है। नंबर वन इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, सुप्रा स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टीरीज माइनर, दीज आर द टेंडन्स ऑफ रोटेटर कफ। ठीक। इसके अलावा रोटेटर कफ टेंडन्स के अलावा हमने दो लिगामेंट्स देखने होते हैं, कुरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है। उसके अलावा एक क्रोमोक्लेविकुलर ज्वाइंट हमने देखना, अगर फ्यूजन होगी तो ज्यादा इसमें नजर आएगी, या रिसेस के अंदर हमें फ्लूइड जो है वो ज्यादा नजर आएगा। दीज आर द स्पेसेस जिनको हम लोगों ने देखना है, और जो स्ट्रक्चर्स थे वो हम लोगों ने ऊपर उसके रोटेटर कफ के मसल्स को ही देखना। दिस इज द व्यू जो एक्सियल व्यू ऑफ द शोल्डर एनाटॉमी है। डॉक्यूमेंट द नॉर्मल एनाटॉमी, सबसे पहले हमें आपको पता है कि एनाटॉमी नॉर्मल पता है ना, तो आप पैथोलॉजी को फॉरन पिक कर सकते हो। दैट मींस आपको पता है कि ये चीज इस जगह पे है, अगर नहीं है, जिस तरह हम लॉन्ग हेड और बाइसेप में पढ़ रहे थे पैथोलॉजी में, कि उसके चांसेस होते हैं डिसलोकेट होने के,
ठीक है, आप बाइसिपिटल ग्रूव के अंदर देख रहे हो, आपने प्रोब रखी है, आपको वहां पर टेंडन नहीं मिल रहा, डेट मीन उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है, ठीक है, जो कि हमने पैथोलॉजी में पढ़ी थी. सो डॉक्यूमेंट द नॉर्मल एनाटमी एंड एनी पैथोलॉजी फाउंड इन टू प्लेन्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट्स एंड एनी वेस्कुलरिटी. डेट मीन्स जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड के सॉरी एक्सरे के अंदर दो व्यूज हमेशा लेते हैं ना, तो इसके अंदर भी दो व्यूज तो कंपल्सरी होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और हम लोग उसको एक्सियल एक दफा देख लें, क्योंकि कुछ इमेजिंग की चीजें होती हैं जो हमें नजर जरूर आती हैं लेकिन वो होती नहीं है, या फिर हमारे पास होती है हमें नजर नहीं आती. इमेजिंग वालों का यही तो मसला है ना कि जो चीज होती है नजर नहीं आ सकती, तो यही तो हम लोगों को हमेशा दो प्लेन्स में देखना जरूरी होता है ताकि ओवरलैप ना कोई चीज कर जाए और ओवरलैप की वजह से हमें जो चीज देखनी हो मुझे छुपना चाहे. दो व्यूज ले लिए और मेजरमेंट्स ले ली. और एनी लिमिटेशन टू द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड डिग्री दैट पेन्स और सिम्टम्स बिगिन, दिस इज द डायनामिक इमेजिंग. दिस इज डायनामिक इमेजिंग. वी ऑल नो कि जब हम शोल्डर का जब भी स्कैन करते हैं तो हमने डायनामिक इमेजिंग जब स्टार्ट करनी है, और हम लोग वो पेशेंट उस कंप्लेन के साथ आया कि वो एब्डक्ट नहीं कर पा रहा या स्पेसिफिक कोई ऐसी मूवमेंट में उसको पेन आ रहा है, तो हम वो मूवमेंट करवाते हुए जो है ना उसका फिर हम स्कैन करेंगे. ठीक है, कि आपने प्रोब रखी है और उसको आप कह रहे हो कि अब आप एब्डक्ट करवाओ, अब आप जो भी आपको कंप्लेन आए, ताकि हम देख सकें कि आया जो वो वाला मसल या वो वाला टेंडन उस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है उसमें तो नहीं प्रॉब्लम है. तो एनी लिमिटेशन टू द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड डिग्री दैट पेन्स और सिम्टम्स बिगिन. अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या है? अल्ट्रासाउंड एसेंशियली यूज्ड फॉर रोटेटर कफ कॉम्प्लेक्स. वी ऑल नो के शोल्डर में हम लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द रोटेटर कफ मसल्स. ठीक, व्हाट आर द इंडिकेशंस? नंबर वन, मस्कुलर या टेंडनस लिगामेंटल डैमेज. हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मसल्स हैं, कौन कौन से टेंडन्स हैं और उनकी पैथोलॉजीज. अब देखो, टेंडन्स या मसल्स की पैथोलॉजीज में हमारे पास क्लियर ही हमने पढ़े थे ना, या कंप्लीट था या इनकम्प्लीट क्लियर था. सेकेंड, हमारे पास बरसात की पैथोलॉजीज पढ़ी थी, उनका इन्फ्लेमेशन ही ज्यादा हो सकता है क्योंकि फ्लूइड है, तो फ्लूइड के इन्फ्लेमेशन और हाइपरवैस्कुलैरिटी. देन वी हैव जॉइंट, तो जॉइंट के अंदर इफ्यूजन या वैस्कुलर पैथोलॉजी, हेमाटोमा. दीज आर द इंडिकेशन जिसके ऊपर हम शोल्डर अल्ट्रासाउंड करेंगे. ठीक है, मस्कुलर तो या टेंडन के जो आता है ना, वो तो पेशेंट की कंप्लेन ही होगी कि उसकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है. ठीक है, वो मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा. अदर पैथोलॉजीज में हमें शोल्डर में क्या मिलेगा? एनी सॉफ्ट टिश्यू या सिस्ट या कोई भी हमारे पास वो फॉर्म. अब अल्ट्रासाउंड करेंगे वो आ तो रहा है आपके पास कि हमें कोई चीज फील हो रही है, यहाँ पे कोई लंप फील हो रहा है. वो अब लंप या तो सॉफ्ट टिश्यू का हो सकता है या फिर कुछ सिस्ट हो सकती है. पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि आई एम फीलिंग समथिंग, कि यहाँ पे कुछ उभार सा है, कुछ सॉफ्ट सा है, कोई लंप है, कोई फील हो रहा है मुझे प्रेस करने से भी. ठीक है, डैट मीन्स सॉफ्ट टिश्यू के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है. वो सॉफ्ट टिश्यू हमें कैसे कंफर्म होगा ऑन अल्ट्रासाउंड? दी ऑल नो के एक्सेस किस तरह का नजर आता है. ठीक है, अगर सिंपल एडिमा है तो वो कैसे नजर आएगा? ठीक, अगर सॉफ्ट टिश्यू मैस है तो वो मैस कैसे नजर आएगा? अगर कोई मेलिग्नेंसी है तो वो हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसमें हमें फ्लो भी नजर आएगा. ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि हम कुछ चीजें बहुत ज्यादा नहीं, बहुत रेयर 1-2% ऐसे चांसेस होते हैं कि हम लोगों को जो चीज कंफर्म अल्ट्रासाउंड पे हम कह सकते हैं वो होती नहीं है. ठीक, एग्जांपल देते हैं. ऐसे एक पेशेंट था जिसके ओवरीज के अंदर कंफर्म डॉक्टर सफदर के पास थी. डॉक्टर सफदर ने बताया कि इसको कंफर्म जो है वो ट्यूमर है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको लीजन है, इसके अंदर आपको हाइपर वेस्कुलरिटी भी मिल रही है, उसकी ब्रांचेज इतनी ज्यादा है कि ब्रांचेज और इरेगुलरिटी है, कंफर्म ये ट्यूमर है. ठीक है, लेकिन उस पेशेंट ने जो है अपना जो टेस्ट भी करवाया है उसका नेगेटिव आ रहा है, ट्यूमर टेस्ट नेगेटिव है. ठीक है, डॉक्टर सफदर मानने को ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि उसकी जो इमेजिंग है, जो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं जो एक मेलिग्नेंसी के होते हैं कि इरेगुलरिटी है, मार्जिन्स जो है वो इन्वेड हो रहे हैं इरेगुलरिटी की वजह से और हमें ब्रांचेस मिल रही हैं, वो मैस अगर इस तरह का मिल रहा है हमें तो वो कंफर्म मेलिग्नेंसी होता है. हम तो अल्ट्रासाउंड पे यही कहते हैं ना. ठीक, और उसके अंदर हाइपर वेस्कुलरिटी भी मिल रही है इतनी ज्यादा, बट दैट वॉज नॉट ट्यूमर. ठीक, वो जो है हेमरेजिक सिस्ट थी, इतनी बुरी उसकी शक्ल थी कि वो हमें ट्यूमर की फॉर्म दे रहा था. ठीक है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं 1-2% की जो चीज हम कह रहे होते हैं. फिर हम लोग जिन पे कंफ्यूजन होती है, फिर हम बायोप्सी करवाते हैं. ठीक है, बायोप्सी पे कंफर्म कर देता है कि हम तो इमेजिंग वाले ना, हमने जो चीज देखनी है उस पर ही रिपोर्ट करना है ना. जो चीज कंफर्म है वो तो फिर आपको पता है लैब टेस्ट में ही बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो चीज नजर आ रही है उसको, आपने जो चीज नजर आ रही है अपने रिपोर्ट भी उसी तरह ही करना है. अ लीजन इज फाउंड, वी कैन नॉट से कंफर्म डायग्नोसिस ये है. आपको कंफर्म डायग्नोसिस भी रिपोर्ट में मिलेगा ना, किसी की रिपोर्ट्स देखोगे तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली लिखा होगा. ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह के 90% चांस लिखे होंगे. इवन कुछ होते हैं, वैसे तो जेंडर रिवील नहीं करते होते ये अल्ट्रासाउंड वाले,
इट्स इलीगल, और कभी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर आपको जेंडर नहीं पता चलेगा कि आपको बता देंगे पेशेंट के जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इट्स इलीगल, ठीक है। आप अगर लेकिन पेशेंट जो है ना वो अगर पूछता तो डॉक्टर बता तो देते हैं और बता भी इस तरह 90% चांसेस हैं ये है, दैट मींस कि वो पूरा 100% श्योर भी होगा तो कहेगा 90% चांसेस हैं कि ये है, ठीक है। और कभी भी आपको रिपोर्ट अगर आप देखो तो रिपोर्ट के ऊपर कभी भी आपको मेंशन हुआ हुआ नहीं मिलेगा कि इसको ये जेंडर है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने मेंशन नहीं करनी होती आपने। अच्छा मैं बता रही थी कि जो चीज नजर आ रही है ना आपने सिर्फ रिपोर्ट ऐसे करनी, आपको कोई लीजन ऐसा नजर आया आपने बता दिया इट्स मार्जिन, देयर मार्जिन आर इररेगुलर, स्पेकुलेटेड मार्जिन हैं, इतनी डायमीटर उसका लेंथ हो गया, उसकी मेजरमेंट्स कर ली है, ठीक है, उसके अलावा हाइपर वेस्कुलरिटी नजर आ रही है, जो चीज नजर आ रही है आपने वही रिपोर्ट करनी। आप ये नहीं कहना मैलिग्नेंट लीजन फाउंड, बिनाइन लीजन फाउंड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बिनाइन हो सकता है, बट आपने उसकी पहले करेक्टर उसका जो क्राइटेरिया है जो हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसको देखते हैं कि सिस्ट का क्या है, अराउंड सिस्ट, वेल डिफाइंड पोस्टीरियर एनहांसमेंट, उसके अंदर कोई डेब्रीज नहीं, थ्रू ट्रांसमिशन, ठीक है, ये सिस्ट है। इसी तरह आपने उसी रिपोर्ट करते हुए मेंशन कर देना ये चीजें हमें मिली हैं और उसको रिपोर्ट में लिख के मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हो सकती है, ठीक है, कंफर्म डायग्राम इमेजिंग का ये होता है। अच्छा इसके अलावा अच्छा हमें कोई भी मिल गया सॉफ्ट टिश्यू डेट माइट बी एनी एब्सेस, कोई भी सिस्ट हो सकती है, कोई डेब्रिस उसके अंदर मिलती है तो डेट और सेप्टेशंस अगर मिल रही है तो वो एब्सेस होता है, सेप्टेशंस अलोंग विद डेब्रिस, ठीक है, और थिक हमारे पास जो वॉल होती है तो वो कंफर्म क्या होती है हमारे पास एब्सेस, एब्सेस की फॉर्म इस तरह की होती है। एडिमा इज अ क्लियर फ्लूइड, फिर लाइपोमास हैं, गैंग्लियॉन्स जितने हमारे पास गैंग्लियोमा जो जिस तरह हम लोगों ने रिस्ट के ऊपर पढ़ा था, इससे सॉफ्ट टिश्यू मैस वो मैस अपीयरेंस देता है, बिनाइन है, इसके अंदर हमें कोई वेस्कुलरिटी नहीं मिल सकती, तो इस तरह की चीजें हमें हमें बस पेशेंट कंप्लेन करेगा विद द मैस, वो सॉलिड सिस्टिक हमने उसके ऊपर कंफर्म करना है अपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अच्छा इसके अलावा गाइडेंस ऑफ द इंजेक्शन या एस्पिरेशन और बायोप्सी या सम बोनी पैथोलॉजीज, ये हम पैथोलॉजीज पढ़ रहे हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आ गया, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उसके, रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है उसी स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर, तो वी कैन से कि ये जो टेंडन इसमें इन्वॉल्व हो रहा था स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर उसका कोई टीयर हो सकता है, ठीक। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन के साथ आया आपके पास कुछ सॉफ्ट टिश्यू के पास के उसको कोई लंप फील हो रहा है, डेट माइट बी ए सॉफ्ट टिश्यू मैस सिस्ट या कोई भी एडिमा या एब्सेस हो सकता है। इसके अल्वा हम लोग गाइडेंस जो कि मैं कहती होती हूँ कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम एस्पिरेशन करते हैं या बायोप्सीज करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इसलिए कहते हैं कि अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड वी इंजेक्ट द जो भी हम लोगों ने अगर बायोप्सी लेनी है तो फिर हम लोग उसका कोई टिश्यू रिमूव करते हैं, या फिर हम लोग अगर एस्पिरेट करना है कोई फ्लूइड है तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको एस्पिरेट कर सकते हैं ताकि हम एग्जैक्टली उस जगह पे जाएं, ठीक, और उधर से एस्पिरेट कर सके। अच्छा इसके अलावा बोनी पैथोलॉजीज, इतनी मैं बार बार कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम बोनी पैथोलॉजीज को, हाँ अगर अलॉन्ग विद दीज पैथोलॉजीज नजर आ गई है कि उसको फ्रैक्चर है, सिर्फ बोनी पैथोलॉजी अलग अकेली है, उसको ट्रॉमा है, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ, तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करवाएंगे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एक्सरेज, ठीक है, बोनी पैथोलॉजीज के लिए हमारे पास एक्सरेज ही हैं जिसके हम लोग करवाएंगे आज। अच्छा इसके अलावा क्या लिमिटेशन है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था हम लोग अल्ट्रासाउंड तो शोल्डर का कर रहे हैं लेकिन कौन सा स्पेसिफिक एरिया जो कि हमें शोल्डर के अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आएगा, दैट इज द इनर साइड जो कि हमारे पास ग्लीनॉइड जहाँ पे ग्लीनोह्यूमरल लिगामेंट जो है हमारा अंदर साइड पे जो लेब्रम बन रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा बोन के अंदर यूं करके आपका ह्यूमरस फिक्स होता है, तो आप यहाँ पे प्रोब रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आपको हर तरफ बोन्स नजर आएंगे या मसल, तो आप क्लियरली उस लेब्रम को नहीं देख सकते हो, तो दिस इज अ लिमिटेशन, तो ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट को हम नहीं देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड। अदर मोडालिटीज जो हमारे पास हैं फॉर मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज वो हमारे पास सबसे पहले आती है एक्सरेस, देन सीटी, एंड देन फॉर सॉफ्ट टिश्यूज पैथोलॉजी नर्व कंप्रेशन या इस तरह के, इसके लिए हम एमआरआई करते हैं, एंड जॉइंट को अगर देखना है पूरे विद कैमरा तो वो आर्थ्रोस्कोपी होगी, ठीक। इक्विपमेंट वी ऑल नो हाई रेजोल्यूशन प्रोब हमने यूज करनी है, उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब, जितनी ज्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, 7 से अबव भी जाना है, 8, 9, 10 जितनी भी अच्छी फ्रिक्वेंसी, अब तो मैंने बताया था 18 मेगाहर्ट्ज तक भी चली गई है अच्छी प्रोब जितनी है, तो वो हमें उतना ही अच्छा मस्कुलोस्केलेटल के लिए जितनी अच्छी रेजोल्यूशन हमें नजर आएगी, क्योंकि वी हैव टू ओवरकम द एन आइसोट्रोपी जो कि एक आर्टिफैक्ट है और उसकी उसको हम कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, दो मैंने बताई थी, एक तो कंपाउंड इमेजिंग यूज करके जो कि हमारे अल्ट्रासाउंड में एक फंक्शन होता है कंपाउंड इमेजिंग का, और इसके अलावा बीम स्टेरिंग। लास्ट लेक्चर में कौन कौन था,
नहीं प्रैक्टिकल में मासूमा थी और मासूमा के साथ एक और थी, मासूमा नहीं आती, नहीं आई ना दोनों, उनको मैंने बीम स्टेयरिंग दिखाई थी कि कैसे हम बीम स्टेयरिंग करते हैं। एक तो हम प्रोब को अपना एंगल दे के उसको एनिसोट्रोपी अवॉइड कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है, जो हमें सेम रेजोल्यूशंस नजर आ रही है हमें थोड़ा सा उसको अवॉइड करके एक एंगल देना होता है। तो हम प्रोब से तो दे सकते हैं, बट प्रोब में क्या चांसेस होते हैं हमारे पास, आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस है, शेडो आने के चांसेस है, एयर आ सकती है, हमने एंगल दिया थोड़ा सा इस तरह दिया तो उस तरह से प्रोब उड़ गई। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ही मशीन के अंदर हमारे पास स्टेयरिंग का एक बटन होता है, वो क्या करता है स्क्रीन को स्टेयर कर देता है। ठीक है, जो एंगल हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है उस एंगल को वो स्टेयर कर देता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो केयरफुल स्कैनिंग टेक्निक टू अवॉइड एनिसोट्रोपी, बीम स्टेयरिंग जो कि मैंने भी बताया था, तो ओवरकम एनिसोट्रोपी इन लीनियर स्ट्रक्चर सच एज टेंडंस, स्कैनिंग टेक्निक, एग्जामिन द पेशेंट वेल पेशेंट सीटेड होना। अब हमें शोल्डर का करना, उसको स्टूल पे बिठा दो और रिवॉल्विंग हो तो वो जैसे जैसे वो स्टूल पे देखे ना जो मूव करता है चारों तरफ, कि आपको उसको रोटेट करना आसान हो। पेशेंट को स्टूल पे बिठा के साथ आप प्रोब रखो, खड़े हो जाओ और उसको मूव करते जाओ। पोस्टीरियर जा रहे हो, कभी इंटीरियर जा रहे हो, तो आपको बार बार पेशेंट को लिटाना उठाना नहीं पड़ेगा। आप उसके पोस्टीरियरली देख सकते हो, उसके इंटीरियरली देख सकते हो, लेटरली देख सकते हैं। तो उसके लिए पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट शुड बी seated on a revolving stool. Allow the examiner to reach the anterior, lateral and posterior aspect of the shoulder with the probe by simply asking the patient to rotate on the chair. Okay. Have the patient stool at an appropriate height to be. ठीक है, ergonomically comfortable for the examiner to scan. Okay. अब आज वन बाय वन हम रोटेटर कफ मसल्स को, इसको अब वन बाय वन देखेंगे कि इस स्पेसिफिक टेंडन के लिए प्रोब कहाँ रखनी है। ठीक, जो कि आपका असाइनमेंट भी है, जो कि आपने ये चीजें लिखनी होती हैं। नंबर वन इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, पेशेंट रेस्ट हैंड। अब मैं साथ साथ डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के लिए पेशेंट की ये पोजिशनिंग होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, पेशेंट को इस तरह की पोजिशन करवानी है और ये आपका जो मार्कर है, जो यहाँ पे आपने अपनी प्रोब रखनी है। अब पढ़ लेते हैं, पोजिशन देख ली, समझ आ जाएगी कि क्या ये कह रहा है। पेशेंट रेस्ट हैंड पाम अप ऑन थाई विद द एल्बो फ्लेक्स, ये ठीक है, पाम अप ऑन द थाई, जब वो बैठा होगा थाई के ऊपर उसने यूं रखा होगा, उसको रेस्ट कर रहा होगा इसका एल्बो जो है, ठीक है, एल्बो जो है वो उसके इसके ऊपर होगा थाई के ऊपर, और पाम अप ये इसकी पोजिशन होगी। ठीक है, स्टार्ट बाय फाइंडिंग द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन बिटवीन द जो ग्रेटर और लेसर टिब्रोसिटी है, यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सिस प्लेन टू एग्जामिन द बाइसेप। हमें पता है कि कहाँ होता है, दोनों टिब्रोसिटी के दरमियान जो ग्रूव है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप वहां होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे, दोनों प्लेन्स करेंगे, एक्सियल भी और लॉन्गिनल भी, इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इस जगह पे आपने प्रोब सबसे पहले रखनी है, इधर ही आपने लॉन्गिनल कर लेना, एक्सियल कर लेना, तो हमारे पास ये पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, तो हमें वो मसल टेंडन नजर आएगा। ठीक है, अच्छा वही बात आगे, आइडेंटिफाई द बाइसेप टेंडन इन द ग्रूव, इफ नॉट आइडेंटिफाइड मे बी आइदर टॉर्न और सबलक्स मीडियली आउट ऑफ द ग्रूव। दिस वॉज द पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी थी कि इसका चांसेस होते हैं डिसलोकेट होने के, वहां से वो जो है वो सबलक्सेशन मतलब अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर हमें उस ग्रूव में नहीं मिल रहा, दैट मींस दैट वाज द पैथोलॉजी। फॉलो डाउन टू द मसल बेली, अब पहले ऊपर हम लोगों ने देख लिया इंसर्शन जहाँ पे था उसका, उस ग्रूव के अंदर अब पीछे जो उसका बेली है मसल की, उसको हम लोगों ने देख लिया कि वो अपनी पोजिशन पर, या पूरा का पूरा ही मसल, समटाइम्स क्या होता है सिर्फ उसकी ओरिजिन या इंसर्शन जो है वही वहां से डिसलोकेट सी हुई होती है, समटाइम पूरा मसल ही वहीं से जो है ना एक साइड पे गया होता है जो सोयर इंजरी के अंदर होता है। रोटेट इनटू लॉन्गिट्यूडनल एंड री एग्जाम द टेंडन, शुड बी यूनिफॉर्म फिब्रिल स्ट्रक्चर जनरली लेस देन 5 mm थिक, दिस इज द थिकनेस ऑफ बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। डायनामिकली इसको एग्जाम करेंगे, कैसे हम पेशेंट को मूव करवाएंगे, मूव कैसे, इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन करवा के, ताकि हमें पता चले कि आया वो, अगर क्या होता है कि सबलक्सेशन में क्या होता है वो डिस्लोकेट तो हो जाता है, लेकिन अब हम दो प्लेन्स ले रहे हैं, एक जगह पे हमें नजर आ रहा है, एक जगह पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दैट मीन्स हम उसकी डायनामिक इमेजिंग करेंगे, उसको मूव करवाएंगे, उसकी मूवमेंट या इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन करवा के। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने ऊपर मार्कर दिखाया था, अब इसी तरह यहाँ पे प्रोब रखनी है आपने, ट्रांसवर्स बाइसेप्स टेंडन। ऐसा लगता है सबने क्लास में बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, दिस एरो शोज द ट्रांसवर्स लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। ठीक है, इमेजेस पे इतना गौर ना करो, बहुत मुश्किल एनाटॉमी है, जो आसान होती है बता देती होती हूँ, ये जो बहुत स्कैनिंग में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको इमेजेस रीड करने आ जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल के, क्योंकि मिलते जुलते होते हैं।
जब आपको ये पता है ना कि इस जगह पे ये है, तब आपको पता चलेगा कि ये मसल है। ऊपर देखो मसल्स की किस तरह की अपेयरेंस होती है, टेंडन की कैसे एकोजेनिसिटी होती है। जब आपको उस जगह का पता चल जाएगा ना कि आपने प्रोब इस जगह रखी है, उस जगह पे ये चीजें हो सकती हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि ये कंफर्म ये मसल है या ये टेंडन है। ठीक है, अच्छा ये लॉन्गिनल स्कैन। ठीक है, अभी तक हम पहला ही पढ़ रहे हैं और उसकी पोजिशनिंग कर ली है, और उसके बाद हमने उसको दोनों प्लेन्स में देख रहे हैं, एक्सियल और लॉन्गिनल। ठीक है, और साथ साथ उसके इमेजेस हैं, ये टेंडन नजर आ रहा है कैसे उसकी एकोजेनिसिटी मसल से थोड़ी ज्यादा है। सेकेंड मसल सबस्कैपुलरिस। अब बाकी जो है एक पढ़ लिया ना, बस इसी तरह पेशेंट पोजिशनिंग और प्रोब कैसे, हमने बस आपने अपने टेबल में भी यही लिखना है, पहला मसल आगे उसकी प्रोब प्लेसमेंट, पेशेंट पोजिशनिंग, और फिर हमारे पास क्या नजर आ रहा है उसके प्लेन्स लिखना। Rotate the arm externally, fixing the elbow on the eyelid crest to show the subscapularis tendon and its insertion on the lesser tuberosity. This tendon should be evaluated along its long and short axis during passive external and internal rotation. वही चीजें बार बार अब आप रीड करते जो आपको पता होगी कि आपने बस प्रो प्लेसमेंट और पेशेंट पोजिशनिंग कर ली, उसके बाद आपने डायनामिक इमेजिंग करनी है, पेशेंट को रोटेट करवाना है, थोड़ा सा मूव करवा के आपने फिर रिपोर्ट करना है, तो जो चीज पैथोलॉजी है वो प्रॉपर रूल आउट हो सके। ठीक है, स्वीप द ट्रांसड्यूसर अप एंड डाउन। वी ऑल नो कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, हमें कंफर्म अब ये पता है कि एग्जैक्टली इस जगह पे एक चीज है, तो हमने एग्जैक्टली वहां रखेंगे तो हमें चीज नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा आपने मूव भी करना होता है प्रोब को। हर एक की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि आपको वो कहीं ऊपर मिलेगा, कुछ नीचे मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा स्ट्रक्चर, कुछ छोटा मिलेगा, तो हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इट विल बी सीन एज एन एलोंगेटेड स्लाइटली कॉन्वेक्स टेंडन। ठीक है, ये इसकी पोजिशनिंग थोड़ी सी उसी से मिलती जुलती है सबस्कैपुलरिस की। ठीक है, लॉन्गिनल आ गया स्कैन, देन आ गया सुप्रास्पाइनेटिस। ठीक है, इसकी भी ये यहाँ पे लिखा होगा कि प्लेस कैसे करना है प्रोब को, आप उसकी देख लो पोजिशनिंग। इसमें क्या करना है कि हैंड जो है ना उसको आपने बैक पे यूं लेकर जाना है और पेशेंट की ये पोजिशनिंग करवानी है। रीड करो, प्लेस द पेशेंट आर्म पोस्टीरियरली। ठीक है, इमेज देख लिया आपने, प्लेसिंग द पामर साइड ऑफ द हैंड ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईलेट विंग विद द एल्बो फ्लेक्स एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। जैसे वो पॉकेट में नहीं मतलब हार्ड रखते होते पॉकेट के ऊपर, आपने ये पीछे रख के इस तरह की उसकी पोजीशनिंग करवानी है, और इस लिखोगे तो ये लिखोगे कि पेशेंट को स्टीरियरली आर्म प्लेस करना है, उसका पामर साइड जो है वो आईलेट क्रेस्ट के ऊपर इस तरह रखना है। ठीक है, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन शुड बी इवैल्यूएटेड लॉन्ग इट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस। हर एक को लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस में देखना है, पोजीशनिंग आपने देख ली है, आइडेंटिफाई द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। आपका टेबल बना होगा ना, यकीन करो ये जो 70 स्लाइड है ना, आपको एक पेपर के ऊपर आपको पूरा ये लेक्चर याद हो जाएगा। चार पांच ये मसल्स है टेंडन, आगे से भी उसके टेबल पे लिखा होगा कि ये उसकी पोजीशनिंग है, बेशक डायग्राम साथ लगा लो इस तरह। ठीक है, ये वाली पिक्चर उठा के साथ लगा लो, आपको इजी हो जाएगा जो साथ लिखना है वो पढ़ना, जरा बगैर डायग्राम के मैं आपको बता रही हूँ, प्लेस योर आर्म हेयर एंड हेयर एंड हेयर, समझ ही नहीं आना था। ठीक है, तो अपने लिए अपने याद करने के लिए आप पेपर में सिर्फ टेबल देखो, साथ में ये डायग्राम लगी होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग ये हुई है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हो मुझे। पिछली बार में पूछती होती थी ना क्वेश्चन, तो बच्चे बना बना के मिस ऐसे रखना था, तो ये वाला जो आना था, तो वो आपके जहन में बैठ जाती होती है पिक्चर। इन कॉरोनल प्लेन द टेंडन इमर्जेस फ्रॉम द बीनीथ द एक्रोमियम टू इंसर्ट द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, इट शुड बी यूनिफॉर्म। ओके, सुप्रास्पाइनेटस इमेजेस आ गया, टेंडन एक जैसे ही सारे नजर आ रहे हैं, बट आपको पता होगा इमेजेस एक जैसे ही सारे लग रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होगा कि टेंडन है, ये मसल है, जब आप प्रोब रखोगे स्पेसिफिक उस एरिया में तो पता होगा कि इस जगह का है। ठीक है, ये प्रोब की हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज उसको कॉरोनल और उसमें इमेजेस साथ साथ है। अच्छा, सुप्रास्पाइनेटस के लिए दो पोजिशनिंग होती है, एक पोजिशनिंग वो थी जिसमें आप एक समझ लो कि पॉकेट उसको क्या कर रहे क्या उसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, वो जिसमें पॉकेट की प्लेसमेंट या अपना हाथ जो है वो पॉकेट के ऊपर रखना है, एक वो वाली पोजीशन थी, और दूसरी प्लेस द डॉर्सम ऑफ द हैंड ओवर द ऑपोजिट बैक पॉकेट फोर्स इंटरनल रोटेशन स्ट्रेस मैनुअल। समझ आ रही है? नहीं, पिक्चर देख रहे हो ये वाली। ठीक है, पिक्चर में समझ आती है कि किस तरह उसने अपना आर्म को रोटेट करवाया, पढ़ रहे थे समझ नहीं आई थी किस तरह उसने रोटेट करवाया था, फिर पहले पिक्चर देख लिया करो, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह उसने अपना हैंड जो पीछे की तरफ ले जाके इधर पॉकेट पे रखा था, अब उसी तरह हैंड पीछे रख के ये वाली पोजिशनिंग करते हैं। ठीक है, जो हम अपना हैंड जो है पीछे ले जाते होते हैं, आप पढ़ो आप शायद समझ आ जाए। प्लेस द डॉर्सम ऑफ द हैंड ओवर द ऑपोजिट बैक पॉकेट, ये पीछे वाली पॉकेट, दूसरी वाली ऑपोजिट वाली पॉकेट की तरफ लेकर जाना है। फोर्स इंटरनल रोटेशन स्ट्रेस मैनुअल, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस गैप बिटवीन द एल्बो एंड द लेटरल चेस्ट वॉल। ठीक है, ये आपने बिल्कुल उसमें स्पेस नहीं रखनी कि आपने हाथ पीछे, बिल्कुल इस तरह चेस्ट वॉल के
साथ अपने आर्म को रखना है, देन हमें ये नजर आएगा. यूजिंग दिस पोजिशन द सुप्रास्पाइनेटस बिकम अ मोर एंटीरियर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसड्यूसर शुड बी ऑरिएंटेड ऑलमोस्ट वर्टिकल टू बी एन एक्सिस विद इट. ठीक है, दो इसके वो होते हैं हमारे पास पोजिशनिंग. Consider that the tendon fibers are more stretched than in opposite position described previously. This may be possible. Okay, ये position. Infraspinatus की देख लो. Ask the patient to hand, place hand across chest towards the contralateral shoulder. ये तो समझ आ रही है. ठीक है, आपने contralateral shoulder की तरफ हाथ रखवा दिया. ये वाली position. ठीक है, ये वाला shoulder नहीं, contralateral. अब उसका ये तो हमारे पास infraspinatus आ जाएगा. ठीक, अच्छा इसकी positioning देखते हैं. ये देख रहे हैं, इसने हाथ दूसरी तरफ लेकर दिया हुआ. दो इसकी पोजीशनिंग है प्रोब की, प्लेसमेंट है इधर और इधर रखते हुए हम इसको. ठीक है, बाकी सिर्फ रीडिंग वाली चीजें हैं इसके अंदर के मसल्स कैसे हम लोगों ने देखिए. डेल्टॉइड आ गया ऊपर, इंफ्रास्पाइनेटस मसल आ गया. अच्छा, चारों हम लोगों ने उसके वो पढ़ ली है ना. अब बस उसमें आप लोगों ने टेबल ही याद करना है. प्रोब प्लेसमेंट इसमें याद करने वाला कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड टेक्निक है. इसमें क्या करना है आपको पता हो कि प्रोब प्लेसमेंट एंड पेशेंट पोजीशनिंग, दैट्स इट. और आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर. अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये रोटेटर कफ के बाद तीन पैथोलॉजीज और तीन और जगह देखी थी जिनको हम देखते होते हैं. एक हमारे पास आ गया क्रोमोकैविकुलर जॉइंट. ठीक, उसमें क्या होगा, प्लेस द ट्रांसड्यूसर इन द कॉर्नल प्लेन ओवर द शोल्डर टू एग्जामिन द क्रोमोकैविकुलर जॉइंट. पर रखो यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पूरा जॉइंट नजर आए, क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. ठीक है, अब जॉइंट को देखना. जॉइंट के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, फ्यूजन मिल सकती है हमें, और जॉइंट की क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं. उसके अलावा हाइपरवैस्कुलर साइनोवियल हाइपरट्रॉफी जिसमें हमें मिल सकती है. ठीक ठीक है, तो ये हमारी जॉइंट की जितनी है. तो हमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहा है तो हमने जॉइंट देखना है. तो जॉइंट के लिए हमारे पास क्या पोजीशनिंग है, अपने कॉरलम यहाँ पे प्रोब रखनी है और उसको पूरे जॉइंट को अपने व्यू करना है. अच्छा, फिर शिफ्टिंग द प्रोब. ये सिर्फ आपने ड्यूरिंग स्कैन आपने प्रोब को बस एक पोजीशन याद कर लो और उसके बाद आपने अपनी प्रोब को इधर उधर मूव करके इस जगह को देखना होता है. ठीक है, ये अपने इस तरह प्लेस करनी है. ये आपकी प्लेसमेंट है. देन हमने एक पैथोलॉजी पढ़ी थी, व्हाट वॉज इम्पिगमेंट, नैरो स्पेस. ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे टेंडन्स जो मूव कर रहे थे उन वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते. जो स्पेस है हमारी उसके अंदर से जो टेंडन मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, टियर हो सकता है. ठीक है, बट वो किस कोई स्पेस वो किसी भी कॉज की वजह से, जो हमने कॉजेज पढ़ी थी कि इम्पिगमेंट की क्या कॉजेज हो सकती हैं, वो इम्पिगमेंट जो है क्या होता है कि नैरो स्पेस की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या उसकी वजह से वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगी तो वो फिर टियर कॉज कर सकती हैं. उसके अलावा और भी पैथोलॉजी जो हमने उसमें पढ़ी थी. तो डायनामिक असेसमेंट ऑफ द सब एक्रोमियम इम्पिगमेंट कैन बी अटेम्प्टेड बाय प्लेसिंग द प्रोब इन द कॉर्नल प्लेन. ठीक है, इसमें क्या करना है, पेशेंट अबडक्ट हिज आर्म व्हाइल रोटेशन. ये ठीक है, अबडक्ट रोटेट, ये वाली पोजीशन होती है. ठीक है, पांच मसल, पांच टेंडन और तीन हमारे पास एक जॉइंट स्पेस जो कि हमारे क्लैवे यहाँ पे ऊपर रखी हुई है स्पेस को देखने के लिए. दूसरा हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग उसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, अबडक्ट हिज आर्म. और अब इम्पिगमेंट देख रहे थे ना पहले हम लोगों ने, क्या देखा इससे, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, अब इम्पिगमेंट. उसके लिए ये पेशेंट की पोजीशनिंग, बस पेशेंट पोजीशनिंग एंड अल्ट्रासाउंड प्रोब प्लेसमेंट देखनी है. एंड हमारे पास लास्ट क्या है, जॉइंट रिसेस एग्जामिन बाय प्लेसिंग द प्रोब ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनोहुमेरल जॉइंट. अब लेब्रम तो हमें नजर नहीं आता बट रिसेस तो नजर आ सकती है. स्पेस जो है उसको देखने के लिए हम ये पोजीशनिंग करेंगे. ठीक है, उसमें लुक एट द पोस्टीरियर लेब्रम कैप्सुलर कॉम्प्लेक्स एंड चेक द पोस्टीरियर रिसेस ऑफ द जॉइंट फॉर इफ्यूजन ड्यूरिंग स्कैनिंग. अब क्या होता है कि जॉइंट है हमारे पास, लेब्रम तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उस तरह नजर आ सके, जो एक लिमिटेशन है अल्ट्रासाउंड की. बट क्या होता है, इस जॉइंट के अंदर जो है हमारे पास इफ्यूजन जो है नजर आ सकती है. ठीक है, वो पोस्टीरियरली जो फ्लूइड है वो हमें जाता हुआ नजर आ सकता है. तो हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर प्रोब रखते हुए हम इस ग्लेनोहुमेरल जो जॉइंट कैप्सूल जो बन रहा है ना उसमें से फ्लूइड को देख सकते हैं, अदरवाइज हम लिगामेंट को नहीं देख सकते लेब्रम जो. ठीक है, नहीं, पोस्टीरियरली हम प्रोब रखेंगे और हमारा जो लेब्रम है, जो हमारी रिसेस है, जो स्पेस है,
ठीक है, उसमें पोस्टीरियर हम लोग लेब्रम को थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं इन केस वहां पे फ्लूइड इफ्यूजन है, तो अदरवाइज हमें लिमिटेशन है कि हम लेब्रम को नहीं क्लियरली देख सकते. ठीक है, पोस्टीरियर जाके और हमें फ्लूइड नजर आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लूइड क्या होता है, हमारे पास एन एक्विन स्ट्रक्चर है और उस क्या हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए एक विंडो है. ठीक है, जहां पे फ्लूइड होगा वैसे हमें नजर नहीं आ रहा, मैंने बताया था ना बोन्स ही बोन्स है हर तरफ और वो जगह हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही. अगर इफ्यूजन है, फ्लूइड है, हमें विंडो मिल गई, ठीक है, तब हम पोस्टीरियर उसका जो जो है ना क्या कहते हैं लेब्रम उसको हम देख सकते हैं इन केस ऑफ इफ्यूजन, अदरवाइज नो. ठीक है, मूव द ट्रांसड्यूसर मीडियल टू द लेब्रम ऑन ट्रांसवर्स प्लेन टू विजुअलाइज द स्पाइनोरेनॉइड नॉच. अब हमें फ्लूइड तो मिल ही रहा है तो जो चीजें हमें नजर आ सकती है उस विंडो के अंदर हम लोग उस प्रोब को वहां रखते हुए थोड़ा सा देख सकते हैं, हमें नॉच भी नजर आ जाएगी इसमें. ठीक है, इट इज ऑफन नेसेसरी टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू नॉट टू मिस दिस एरिया. अ पैरा लेब्रल सिस्ट ओरिजिनेटिंग इन दिस एरिया शुड बी सॉर्ट आउट. ठीक है, अब हम फ्लूइड है, फ्लूइड में भी सिस्ट का भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकती है, फ्लूइड तो मिल ही रहा है तो हम लोग उसको थोड़ा सा इधर उधर मूव करके जो है वो अपना देख सकते हैं. ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही था कि हम लोगों ने चारों जो हमारे अटेंडेंस हैं उनकी प्रो प्लेसमेंट और पेशेंट पोजिशनिंग टेबल बना लेना आज ही, छोटा सा चार नहीं पांच वो हमारे पास आ गए अटेंडेंस और तीन हमारे पास ये एक जॉइंट स्पेस आ गई, एक हमारे पास इम्पिगमेंट आ गया और एक पोस्टीरियरली जो है हमारा ग्लीनो ह्यूमरल जो वैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन है यही कि नॉर्मली दिस इज द लिमिटेशन, वी कैन नॉट सी ग्लीनो ह्यूमरल लेब्रम ऑन अल्ट्रासाउंड, दिस वाज द लिमिटेशन, बट इन केस ऑफ इफ्यूजन, इन केस ऑफ इफ्यूजन, इफ्यूजन हमारे पास फ्लूइड है तो फ्लूइड क्या काम करती है एज अ विंडो हमारे पास मीडियम प्रोवाइड करेगी तो उसके स्ट्रक्चर हमें नजर आ सकते हैं. ठीक है, तो पोस्टीरियर लेब्रम नजर आएगा और हमारा पूरा लेब्रम नहीं देख सकते उसके. ठीक है, तो ये आज की समरी थी, इतना सा बस इसमें था. ठीक, तो चलें ऊपर प्रैक्टिकल के लिए. ठीक है, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन कितनों की डोज हो चुकी है, बार बार पूछती हूँ मैं, सबकी हो गई है? नो मैम. दोनों वालों को तो मुझे पता ही है, फर्स्ट वाले की जरा ना अब ईमेल आ गई है कि वो भी अब अवॉइड करें या ना आए. ठीक है मैम, उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाने सर ने कहा. हाँ मैम, आपने कहा कि 12 बजे आ जाए प्रैक्टिकल के लिए, हम तो अभी आना है थोड़ी देर में फिर. हाँ तो 12 बजे आ जाओ, मैं कौन सा अभी लेने लगी हूँ, अभी जाता. तो आपने कहा ऊपर प्रैक्टिकल के लिए आ जाए ना, तो इन्हें पता ही है, ये लोग करते ही रहते हैं, ये तो तीन चार दिन से मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन्हें पता है टाइम का भी. तो मैम हम फिर कब आ जाए, तुम लोग की अपनी यूनिवर्सिटी है, जब दिल करे आ जाओ. अच्छा, हॉस्टल में ही हो ना सामने? जी मैम. तो आज मुंह धो, नाश्ता करो, अगर गुड मॉर्निंग होगी तुम्हारी. जी मैम, नाश्ता आपके साथ करेंगे, बाकी आ जाएंगे. नाश्ता मैम करवाएगी तुम्हें बस. नाश्ता मैंने भी नहीं किया हुआ, लेके आना नाश्ता, लेना आना सच्ची मुझे. ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, आधे घंटे का ही था, हम डिस्कस करते हैं कुछ बातें फिर इंशाल्लाह जो है, इतनी जल्दी तो नहीं लेक्चर छोड़ के जा रहे, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर प्रैक्टिकल के ऊपर टाइम देंगे. अच्छा, अब हमारे जो मैंने वैसे आज तो मैं 12 बजे, क्योंकि मेरा और कोई लेक्चर नहीं, आज आप लोगों के साथ है, मैं फ्री हूँ आज, इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी प्रैक्टिकल में. लेकिन मसला ये है कि आगे एक तो सर ने कह दिया, कल मुझे सर मिले थे कि प्रैक्टिकल्स करवा रहे, उन्होंने कहा है कि एक दोस्त वालों को भी अलाउ नहीं करो. ठीक है, एक बात. दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो मुझे टाइम मिला है, क्योंकि आपको पता है क्लासेस होते हैं और ये वो सारा, उसमें उन्होंने कहा जो आपको टाइम लेक्चर का मिला उसी के अंदर आप प्रैक्टिकल्स करवाओ. ठीक है, तो मेरी कोशिश थी कि यही बड़ा एक लेक्चर था वो भी आज जल्दी खत्म हो गया, आगे तो बिल्कुल 15-15-20-20 मिनट में खत्म हो जाया करेगा, तो हमारे पास 45 मिनट हुआ करेंगे. हम कोशिश करेंगे जो हमारे लेक्चर का टाइम है ना उसके अंदर प्रैक्टिकल कर लिया करें. ठीक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता कब हमारी यूनिवर्सिटी फिर बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, फिर फोर्थ वेव आ गई और ये सारा कुछ ड्रामा, फिर हमारा प्रैक्टिकल रह गया. फिर जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट उस टाइम को अवेल करें और हम लोग एग्जाम से पहले पहले थोड़ा बहुत तो आप प्रोब हैंडलिंग और चीजें देखो. ठीक है, ये लोग तो करते आए हैं, माहीन और क्या नाम है आपका, कल किया था मेरे साथ. ठीक है, इन्होंने चीजें देखी हैं, कुछ नॉब्स वगैरह की और विनोबोलॉजी ही मैंने पढ़ाई थी इनको, स्कैन अभी नहीं करवाया. जमीर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर स्कैन करना, नाश्ता करके आना. ठीक है, तो जो है ना नाश्ता करके आओगे गॉल ब्लैडर नजर नहीं आएगा, तो जो नाश्ता जिन्होंने नहीं किया वो उनका आज हम गॉल ब्लैडर देखेंगे. ठीक है, तो जो है ना स्कैन भी किसी को करते हैं, तुम लोगों ने किया नाश्ता?
लड़के बेचारे हैं, बड़ा तरस आता है मुझे। पिछली बार वो शेर अली था, वो बेचारा मैम रिजवान ने नाश्ता नहीं किया, पैसे भी नहीं है, चलो उस पे स्कैन कर लेंगे। वसीम सुन रहा है? वसीम आप हो अभी ऑनलाइन? वसीम आया हुआ नहीं? आया वसीम बेचारा हर दफा जो है ना, पिछले सीनियर में जब रीजनल अल्ट्रासोनिया उसमें पढ़ते, वो देखता नहीं होता था, वो हमेशा पेशेंट ही बनता होता बेचारा। इस दफा कौन पेशेंट बनेगा पहले से देख लो। किसको? ऑनलाइन वालों को। अच्छा और जमीर के अलावा और किसने आना है स्कैन कर इसके प्रैक्टिकल के लिए? अभी सर मैंने भी आना है। नाम बताते जो। तलहा जमीर। मैम रिजवान अली। एहतिशाम। ठीक है 12 बजे आ जाना। वैसे आज बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा तुम लोगों को मशीन के ऊपर। है 12:30 बजे? ऐसा करो जमीर, अब मतलब आज ना बच्चे थोड़े ज्यादा हैं तो मैं दो ग्रुप में करवा देती हूँ, जो बच्चे अभी आए हैं इनको अभी करवा देते हैं। ठीक है तो आप जो है फिर टाइम हो रहा है 11:30 बजे तक नहीं आ जाओगे? पूरा अभी 1.25 घंटा खड़ा हुआ है। हॉस्टल से आना है आप लोगों ने, इधर सामने से उठ के तैयारियां कम करना ना। यस मैम हम आ जाएंगे 11:30 तक। ठीक है तो इनको मैं अभी स्टार्ट करवा रही हूँ, तो अगर आपको अभी आ सकते तो अभी आ जाओ, क्योंकि इनका आगे एक क्विज है फिर उस टाइम पे। तो फिर ये है कि बच्चे भी आज ज्यादा आए हुए हैं तो फिर समझ नहीं आएगा इतने सारे वो बच्चे, इसके ऊपर मैं दो ग्रुप बना देती हूँ। इनमें भी अगर कोई आज चाहे तो आधा एक ग्रुप बना लो, आधा जो है दोबारा करवाऊंगी ग्रुप बना। मैम मैम हाँ जी मैम जिनकी अभी डोज रहती है वो उनका भी होगा बाद में प्रैक्टिकल? क्या चीज मैम? जो अभी नहीं आ सकते जिनकी फर्स्ट डोज भी नहीं हुई हुई अभी, तो वो उनका भी कैसे होगा प्रैक्टिकल? जो नहीं आ सकते उनका कैसे होगा? वो डोज लगवाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। ठीक है दोनों डोज लगवा लो तो प्रैक्टिकल दोबारा करवाएंगे हम लोग एक दो दफा। इनका ये कि ये बार बार कर रहे हैं इनका अच्छा होता जाएगा, इनको टाइम ज्यादा मिल रहा है। मैम अभी आप किस चीज का करवा रही हैं? अल्ट्रासाउंड वालों को तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ये क्या कर रहे हैं। क्यों क्या वजह क्या है क्यों नहीं लगवा? आपको मरने से डर लग रहा है? हमने भी लगवा लिया है। वो वाला मुझे जोक याद आ जाता है, एक बंदा कहता है कि यार मर जाना है, वो नर्स को दिस नहीं होगा अच्छा, हमने मर जाना है, वो नर्स कहती है यार तुमने अकेले रह के क्या करना, सबने डोज लगवानी है, तो ये जो नहीं लगवा रहे उन्होंने अकेले रह के क्या करना है। ठीक है अगर सारी दुनिया ने मरना है चलो अकेले दुनिया में क्या करोगे, इधर उधर फिर जाओगे, कुछ दुनिया में और कोई होगा ही। तो अगर जिनको है ना कि प्रैक्टिकल करवाने हैं और इनको है कि अभी आजकल, तो वो प्लीज आए और अपने डोज कंप्लीट करके आए, प्रैक्टिकल करवाएं। मैम सब्जेक्ट रहता है? एक्सक्यूज मी मैम एको पढ़नी है। एक्सक्यूज मी मैम जी मैम जिसकी जिसको फर्स्ट डोज लगी हुई वो नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी? आए तो हुए काफी लेकिन सर मैं तो अलाउ कर रही हूँ, लेकिन अभी अगर पता चल गया क्योंकि मैम अलाउ किया है तो मुझे पकड़ के उन्होंने बैंड निकाल देना। मैम मुझे ना जी जी मैम मुझे ना वो नेक्स्ट मंथ लगेगी, नेक्स्ट डोज 7 को, 7 जुलाई को लगेगी। फर्स्ट डोज वाले हैं तो आ जाएगा। ओके मैम लेकिन सर ने तो सख्ती से मना किया है कि फर्स्ट डोज। मैम जमीर का गॉल ब्लैडर हम वेंसडे को भी देखेंगे क्योंकि आज नहीं आ सके। गॉल ब्लैडर मासूमा हाँ तुम क्यों नहीं आई हो? मैम थोड़ा लाइट का इश्यू था इसलिए नहीं आई। इसको बुखार है मैम। ठीक है पिछली बार तो हमने कुछ भी नहीं किया था प्रैक्टिकल तो आप दो होती ही थी, तो आज तो के ज्यादा स्टूडेंट हैं तो आज मैं स्कैन भी करवाऊंगी। मैम इसलिए वेंसडे को दोबारा रिपीट करेंगे ना तो जमीर के ऊपर हम करेंगे, उसको हम ले आएंगे टाइम से। अच्छा वही कह रही हूँ जितना हो सकता है अभी कर लो, कोई पता नहीं कि आपके प्रैक्टिकली खत्म करवा दिए।
ठीक है, तो जितना टाइम हम लोग दे सकते हैं अभी थोड़ी बहुत चीजें वो कर लें, बाकी दूसरे दूसरे को समझा दें, जिसको आगे समझ के दूसरों को समझाते रहे, ठीक है। और दुआ करो अभी सर से बात की, अगर हमें और मशीन चाहिए प्रॉपर लैब्स बनाए, ताकि बच्चे इतने ज्यादा एक मशीन के ऊपर तो नहीं सारे खड़े हो सकते। Yes, you are right. लेकिन तुम लोगों की मशीन है अभी, जितना टाइम लगाओ उस पर। फिर क्या करना है, दो बैच में करें? चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों जो आना अभी आ सकता हुआ अभी आ जाए, मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ, तो बाकी नहीं तो फिर बाद में, ठीक है।